सब्सक्राइब करें हमारे स्टेट मीडिया चैनल को, देखिए देश विदेश की बड़ी खबरें। वाराणसी जिले के 7 ब्लॉकों पर करीब 300 जोड़ों ने आज वैदिक मंत्रोच्चार के बीच 7 फेरे लिए, 7 जन्म तक साथ निभाने का वादा भी किया। खास बात यह देखने को मिली कि जनप्रतिनिधि और अफसर अपने कार्य से इतर अभिभावक की भूमिका में नजर आए। मौका था मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत होने वाली शादियों का। सरकार की तरफ से नव युगलों को कपड़े, जेवर, बर्तन, पंखा आदि उपहार देकर नम आंखों से विदाई दी गई। पूजा शर्मा, संतोष शर्मा, टड़िया। पकड़ लो बेटा, ऊपर करो। इसके बाद कुसुम लता। हाँ, कुसुम लता आगे से ले लेना। प्रेमलता, अभिषेक जी, प्रेमलता का निकलिए सामने से। मैं डॉक्टर रक्षिता सिंह, खंड विकास अधिकारी, काशी विद्यापीठ वाराणसी। मैडम, आज किस प्रकार के आयोजन किया गया था और क्या उद्देश्य था उसका? ये शासन के निर्देश पर हम लोगों को आज 10 जून को यहाँ सामूहिक विवाह कार्यक्रम, जो भी पात्र लाभार्थी जोड़े हमारे हैं जिनकी आय 2 लाख रुपए से कम है, वार्षिक आय जिनके अभिभावक की, और वो लोग 18 वर्ष की आयु लड़की ने और 21 वर्ष की आयु लड़के ने पूरी कर ली है और वो पात्र हैं, उनकी जांच कराते हुए हम लोग पात्रता में ये भी दिखवाते हैं कि वो लोग पूर्व में शादीशुदा तो नहीं है। हम लोग यहाँ पे उनका शादी का कार्यक्रम आयोजित करते हैं, वही कार्यक्रम आज 19 जोड़ों का यहाँ आयोजित किया गया। अतिथि, आज किस प्रकार का कार्यक्रम था और क्या उद्देश्य था? सबसे पहले तो आप सभी लोगों को बहुत बहुत पत्रकार बंधुओं को धन्यवाद कि आकर जो गरीब कल्याण के तहत, योजना के तहत जो सामूहिक विवाह गरीबों का हो रहा है, जब आप समझिए कि जो ब्लॉक पर आकर अपना शादी विवाह कर रहे हैं तो वो किस स्थिति में है। तो मैं अपने वीडियो साहब को, अपने मुख्यमंत्री को, अपने प्रधानमंत्री को, यहाँ के विधायक डॉक्टर सुनील पटेल जी को, अपने प्रधानमंत्री, यहाँ के जो सांसद हैं, सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि इस तरह की जो हो रही है, इनके घर में, परिवार में खुशहाली आएगी। कोरोना काल का हम लोगों ने देखा है, लेकिन निश्चित तौर पर अब जो हो रहा है वो अच्छा है। अभी तो पूरा सामूहिक विवाह कराने के लिए 51,000 सरकार ने दे रही है, लेकिन आने वाले दिनों में हम लोगों ने बजट पास कर दिया, अपने भारतीय जनता पार्टी का संकल्प, अपना दल यश का संकल्प हो गया है। बहन अनुप्रिया जी अपने एक कैबिनेट मंत्री हैं भारत सरकार में, और यहाँ पर अपने उनके आशीष जी यहाँ भी मंत्री हैं। तो निश्चित तौर पर आप ये समझिए कि इसको बढ़ाने का काम जो हो गया है, 1 लाख हो गया है। अब बस यहाँ शासनादेश आ जाएगा तो और इनको खुशहाली इन लोगों को मिलेगा। हम लोगों की यही शुभकामना है, आप सभी लोगों को भी बहुत बहुत शुभकामना देते हैं। पूरे प्रदेश में 75 जिला में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का कार्यक्रम चल रहा है, जो कि ये प्रदेश का कार्यक्रम है। जो गरीब परिवार से आते हैं उन लोगों को विवाह हम लोग सरकार के माध्यम से करवा रहे हैं। कितने जोड़ों का आज विवाह यहाँ संपन्न कराया गया? आज हम लोगों ने काशी विद्यापीठ ब्लॉक में माननीय BDO साहब के नेतृत्व में हम लोगों 19 विवाह कराया गया, जिसमें हमारे वाराणसी जनपद के हमारे जिला अध्यक्ष बड़े भाई हंसराज विश्वकर्मा जी और मैं विधायक रोहनिया और हमारे BDO साहिबा के मौजूदगी में हम लोगों ने 19 विवाह करवाए यहाँ पे।